हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मंदीप और आज की वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग आईफोन 12 की। ये मैंने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से किया है परचेज। आज ही मैंने किया था ऑर्डर, यानी कि 2 तारीख को, जैसे कि सेल आज प्राइम एंड प्लस मेंबर्स के लिए थी अर्ली एक्सेस, तो आज ही मैंने किया है परचेज और आज ही मेरे पास ये हो गया डिलीवर। तो आज की वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और मैं बताऊंगा एग्जैक्टली किस प्राइस पॉइंट पर मुझे ये मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये है बॉक्स कार्डबोर्ड का जिसमें ये पैक होकर आया, जैसे कि हर साल आता है। लास्ट ईयर के 10R ऐसे भी इसी तरीके के बॉक्स में आए थे। तो एक बार इसको कर लेते हैं ओपन और प्रॉपरली सील भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से टेप लगी हुई है, लिखा भी हुआ है डू नॉट ओपन, डू नॉट एक्सेप्ट द बॉक्स इफ दिस लेबल इज टोन। तो सारा कुछ लगा हुआ है इसमें, प्रॉपरली पैक्ड है। तो एक बार इसको कर लेते हैं ओपन। हर साल की तरह जैसे इस साल भी एप्पल ने जो है एक कार्डबोर्ड में पैक करके दिया है डिवाइस को, सॉरी बॉक्स को। तो ये हटा देते हैं। तो ये है गाइस बॉक्स की पैकिंग और इस पे जो है मेंशन भी है आईफोन 12। तो सिक्योरिटी सील प्रोटेक्शन, हालांकि इस बार थोड़े चेंजेस हैं इसकी पैकेजिंग में। तो ये है गाइस इसकी पैकेजिंग और तो काफ़ी स्लिम है बॉक्स। और जैसे कि सबको पता है कि अब जो है ये न्यू पैकेजिंग है जिसके अंदर सिर्फ आपको डिवाइस और लाइटनिंग केबल मिलती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आईफोन 12 128GB और मैन्युफैक्चरिंग है, सॉरी MRP है 84,900 और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। मुझे लग भी रहा था कि इस बार जो आईफोन 12 सीरीज फ्लिपकार्ट पर बेची जा रही है सारे के सारे मेड इन इंडिया यूनिट होंगे, तो ये भी जो है मेड इन इंडिया वाला ही है आईफोन 12। और एक बार कर लेते हैं इसकी सील ओपन। तो सील के ऊपर जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई हुई है, तो इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। बाकी ये जो डिवाइस है ये मुझे पड़ा है 51,000 का। सेल में इसका प्राइस था 53,999 जो कि अब 1,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया है और उस पर मुझे जो है एडिशनली 3,000 रुपीज़ का टोटल मिल गया था डिस्काउंट, बिकॉज 30,000 से ऊपर की थी परचेज। तो मुझे ये फाइनली पड़ा था 51 का। तो ये है बॉक्स और इस पर इम्प्रिंटेड आईफोन 12 की पिक, यहाँ पर है आईफोन। तो चलिए एक बार इसको करते हैं ओपन। तो मैंने ऑर्डर किया है आईफोन 12 का ग्रीन कलर। बेसिकली ये फ़ोन जो है मैंने अपनी फ्रेंड के लिए किया है ऑर्डर, तो ग्रीन कलर है और एक्चुअल में दिखने में काफ़ी इम्प्रेसिव है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है पर्सनली जब मैं इसको सामने से देख रहा हूँ। तो एक बार इसको रखते हैं साइड में और बाकी कंटेंट्स एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि अब फ़ोन के साथ सिर्फ मिलती है आपको लाइटनिंग 2 USB-C केबल और ये है इसके कुछ पेपर वर्क जिसमें कि आपको सिम ट्रे और कुछ यूज़र गाइड मैनुअल और साथ ही साथ एक मिलता है सिंगल एप्पल का स्टिकर। तो चलिए चार्जर जो है वो हमने एडिशनली इसलिए नहीं किया परचेज क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास ऑलरेडी चार्जर है, तो चार्जर जो है मैंने नहीं किया था ऑर्डर। तो चलिए इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में। तो ये है डिवाइस और इसके ऊपर जो है इस बार आती है पेपर का रैप। लास्ट ईयर से एप्पल जो है कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया पेपर का रैप। एक बार इसको हटा लेते हैं। इसमें इंडिकेशन भी है पावर, अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है तो पावर, वॉल्यूम अप डाउन एंड रिंगर स्विच। तो चलिए एक बार इसका जो है ये हटा लेते हैं पेपर। अब एक बार डिवाइस को कर लेता हूं ऑन। फोन काफी लाइट है गाइस, मैं पर्सनली 10S यूज करता हूं तो उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में काफी हल्का है डिवाइस। जब तक फोन स्टार्ट हो रहा है मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर हैं, जो फर्स्ट टाइम करेंगे इसको परचेज, तो यहाँ पर आपको मिलता है पावर बटन और बैक में जो है इसके आपको मिलते हैं 2 कैमरास, नॉर्मल वाइड एंड अल्ट्रा वाइड विथ फ्लैश एंड माइक। उसी के साथ साथ बॉटम में जो है आपको इसमें मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, और ये है माइक और ये है स्पीकर्स जो कि एक है बॉटम में और एक है इसके टॉप में ईयर पीस में। ये है फेस टाइम कैमरा और इधर है वॉल्यूम अप डाउन एंड रिंगर एंड साइलेंट स्विच। तो फोन चलिए हो रहा है स्टार्ट, एक बार इसको कर लेते हैं पूरा सेटअप। तो अब ये फेस आईडी के लिए मांग रहा ऑप्शन, तो एक बार मैं इसको कर लेता हूँ सेटअप।
तो फोन हो चुका है सेटअप और फाइनली फोन हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट देख लेते हैं कौन से वाले सॉफ्टवेयर वर्जन पर हमें मिला है डिवाइस। तो जनरल में गए अबाउट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फोन जो है अभी मुझे मिला है 14.7.1 पे, तो अपडेट मुझे करना होगा। और 128 GB में से आपको 113.84 GB जो है वो मिलती है अवेलेबल स्टोरेज। बाकी इसमें जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी जितनी भी अनबॉक्सिंग में वीडियो बनाता हूँ उसमें बताता हूँ कि ये जो है कुछ फालतू की ऐप्स आपको मिलती हैं। तो अभी जैसे कि देखा आपने 113 GB की थी स्टोरेज, तो इनको मैं ज़रा कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, उसके बाद जो है काफ़ी स्टोरेज जो है डिवाइस में बच जाएगी। तो अब एक बार देख लेते हैं अननेसेसरी की ऐप्स डिलीट करने के बाद कितनी होगी मेरी स्टोरेज फ्री। तो 117.4 GB जो है वो हो गई है फ्री स्टोरेज, यानी कि 4 GB के आसपास स्टोरेज जो है वो हो गई है इंक्रीज। तो ये है गाइस कुछ डिवाइस, और अभी इसको अपडेट करना है 15 पे। तो हालांकि परफॉर्मेंस तो iOS 15 पे भी काफ़ी अच्छी चल रही है, 14.7.1 भी जो है ठीक ठाक कर रहा था परफॉर्म। तो अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा का इंटरफेस। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है क्विक टेक वीडियो का ऑप्शन, ये तो ये है इसके कैमरा का इंटरफेस। और इसमें जैसे कि आपको पता है इसमें भी आपको एक मिलता है अल्ट्रा वाइड और दूसरा है वाइड। और उसी के साथ साथ अगर हम वीडियो में जाएं तो वीडियो में जो है आपको सेम 4K at 60 FPS तक का मिलता है इसमें सपोर्ट। तो ये तो होगी कुछ वीडियो की बात। और अगर आप बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी अच्छी क्लैरिटी गई इसके फ्रंट कैमरा की, मैं पर्सनली देख रहा हूँ तो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है। उसी के साथ साथ फोटोज़ में भी फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी सही है। और ये जो है ये है इसका नाइट मोड, जो कि इस बार आपको आईफोन 12 में जो है आपको फ्रंट में भी मिलता है, ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है जैसे ही लो लाइट डिटेक्ट करता है। और फ्रंट में भी जो है आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया अल्ट्रा वाइड जस्ट लाइक द आईफोन 11। तो ये है गाइस कुछ फीचर। इसी के साथ साथ इसमें स्लो मो, टाइम लैप्स, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब अगर बात करें इसके कुछ और एडिशनल फीचर्स की, तो ये सेम आईफोन 11 की तरह ही है, जहाँ से यहाँ पे हो गया आप इसका एस्पेक्ट रेशियो कर सकते हैं चेंज। उसी के साथ साथ ये हैं कुछ इफेक्ट्स, टाइमर, और ये है एक्सपोजर जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से मैन्युअली, और ये हो गया साथ में फ्लैश। तो गाइज ये है कुछ फीचर्स इसके कैमरा के। तो इसके कुछ फोटोज़ के सैम्पल्स जो है वो मैं डेफिनेटली इस वाली वीडियो में बाद में कर दूंगा अटैच, या फिर आगे जो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसको कर दूंगा अटैच। उसके साथ साथ अगर और कुछ मैं आपको दिखाऊं तो परफॉर्मेंस वाइज, तो गाइज ये फ़ोन डेफिनेटली अच्छा ही है, एक साल हो गया और इसके मैक्सिमम रिव्यूज़ आप लोग देख ही चुके हैं, तो फ़ोन की परफॉर्मेंस में तो कोई भी डाउट है नहीं। बाकी आईफोन 11 की तरह इसमें भी आपको जो है सेंटर में मिलता है एप्पल का लोगो, और अब जो है कहीं पर भी आईफोन मेड इन कैलिफोर्निया की मार्किंग तो आईफोन्स पर आती ही नहीं है। तो डिज़ाइन वाइज जो है वैसे जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बैक से आईफोन की तरह, ड्यूअल कैमरा सेटअप, बाकी जो है स्क्वायर एजेस है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि ये बिल्कुल एकदम आईफोन 5S के जैसे लगते हैं, और पकड़ने में जो है ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है। बाकी ये एक प्रॉब्लम मुझे जो पर्सनली मेरे को लगती है वो ये है कि इतने बड़े डिवाइस को काफ़ी देर तक अगर आप होल्ड करेंगे तो स्क्वायर एजेस की वजह से जो है ये आपको थोड़ा सा जो है आपके हाथों में दर्द अनकंफर्टेबल सा फील करा सकता है, जो कि कवर्ड में नहीं होता है। लेकिन कवर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो है काफ़ी स्लिपरी होते हैं, तो इसमें जो है एक आपको ग्रिप जो है थोड़ी फॉर्म मिलेगी एज कम्पेयर टू द ओल्डर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन वाइज ठीक है, काफ़ी अच्छा है डिवाइस, पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ओवरऑल फील जो है डिवाइस का वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम है। बाकी एक बार टेस्ट कर लेते हैं फेस आईडी को, कितनी क्विक है इसकी फेस आईडी। तो ये जैसे कि मैंने किया डिवाइस को लॉक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फेस आईडी जो है इसकी काफ़ी क्विक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और इसमें जो है आपको फ्रंट में मिलता है सेरेमिक शील्ड विच इज़ 4 times स्ट्रॉगर दैन द नॉर्मल ग्लास, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है सभी न्यूअर आईफोन्स के लिए। और इसमें जो है आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 1200 nits की, और नॉर्मल टिपिकल ब्राइटनेस जो है वो मिलती है 625 nits। तो डिस्प्ले जो है वो भी काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल फ़ोन जो है काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी जो है जल्दी इसके जो है कुछ वीडियोस लाएंगे, उसमें देखेंगे कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस भी। अब एक बार जो है इसका हम साउंड चेक कर लेते हैं कि वॉइस साउंड इसमें कैसी आती है। तो यूट्यूब पर एक वीडियो कर लेते हैं प्ले। तो एक बार ये NCS का म्यूजिक जो है वो मैं प्ले करके देखता हूँ YouTube पर। तो साउंड तो एक्चुअल में काफी लाउड है और स्टीरियो स्पीकर्स है, तो साउंड तो एक्चुअल में इसका अच्छा होना ही है, साउंड वाइज काफ़ी सही है। और एक चीज़ और जो मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ आईफोन 11 के कंपैरिजन में, तो इसका जो कैमरा का बम्प है वो 11 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है मुझे। अदरवाइज ये भी सेम वही मैट फिनिश है आईफोन 11 के जैसी ही।
तो लुक्स में तो गाइज डेफिनेटली फोन जो है अनडाउटली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ से एक बार इसकी एक बार वीडियो भी प्लेबैक करके देख लेते हैं, तो एक बार इसमें चलाते हैं वीडियो और देखते हैं कैसी है इसकी वीडियो की परफॉर्मेंस। तो अब एक बार जो है इसमें ये वाली वीडियो कर लेते हैं प्ले। तो वीडियो क्लैरिटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी, बाकी फ़ोन तो है ही प्रीमियम और परफॉर्मेंस जो है इसकी एक्चुअल में टॉप नॉच होने वाली है। तो गाइज ये तो थी कुछ इसकी अनबॉक्सिंग, होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। तो आगे जो है मैं इसका क्विक रिव्यू बना दूंगा, उसी के साथ साथ इसकी आईफोन 11 के कंपैरिजन की वीडियो भी जो है वो मैं जल्द ले आऊंगा अपने चैनल पे। तो उन सब वीडियोस को देखने के लिए गाइज चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो गाइज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से। आई बिलीव कि शायद फ्लिपकार्ट की सेल में परचेज किए हुए फ़ोन की सबसे पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ इसको लाइक करें अगर आपको पसंद आई, और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से, और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि इससे रिलेटेड और वीडियो जो मैं बनाऊं वो जो है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बाकी गाइज इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं पोस्ट, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।